आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में? 1982 में कहां थे वो? सड़क पर घूम रहे थे। अरे गद्दार कौन है जी जो बोलता, उससे बड़ा कोई है क्या? किस चीज का परीक्षा? नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। तो उसकी हैसियत क्या है लोकतंत्र में? श्रीमान मुख्यमंत्री जी, सभी की हैसियत बराबर होती है। आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। अरे सुनिए सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज्यादा है। ये मैं बता दूं, इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे? और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना? दिए थे कभी परीक्षा? दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद? किस चीज़ का परीक्षा? नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी 80 में? क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे? इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप हो गए श्रीमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है लोकतंत्र में? श्रीमान मुख्यमंत्री जी, सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है? सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये कि हैसियत क्या है लोकतंत्र में? सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी जो बोलता, उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत बहुत, वो मेरे साथ मित्र रहे हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।